राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले रविवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका लगा है। मिलिंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद ने शनिवार को इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। वो शिवसेना गुट में शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया है। मैं पार्टी के सभी नेताओं और सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ। इससे पहले शनिवार को जब उनके पार्टी छोड़ने की खबरें मीडिया में आईं तो उन्होंने कहा था कि ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में ही हैं। हालांकि रविवार सुबह 8:30 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी, लेकिन वो कांग्रेस के अटल और दृढ़ नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आज भी उन्हें याद करता हूं। मीडिया में दिए बयान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि देवड़ा ने शुक्रवार को उनको फोन पर बताया था और अनुरोध किया था कि वो दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावे पर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा दोनों मुंबई दक्षिण से सांसद रह चुके हैं। मिलिंद देवड़ा ने मुझे शुक्रवार सुबह करीब 8:52 पर मैसेज किया था, फिर दोपहर 2:47 पर जवाब दिया कि क्या आप स्विच करने की योजना बना रहे हैं। 2:48 में उनका मैसेज आया कि क्या आपसे बात करना संभव नहीं है। मैंने कहा कि मैं फ़ोन पर करूंगा और 3:40 पर मैंने उनसे बात की। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जाहिर तौर पर ये सब एक दिखावा था। उन्होंने जाने का मन बना लिया था। उनके जाने की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है। देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने की 3 बड़ी वजह है। पहली, देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मुरली देवड़ा केंद्र सरकार के मंत्री रह चुके हैं। मुंबई दक्षिण से वो हमेशा ही कांग्रेस से जीतते आए हैं। देवड़ा परिवार कई सालों से इस संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सीट से सांसद उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत हैं। सावंत सीट से 2 बार चुने जा चुके हैं। दूसरी वजह है, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है। इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना भी शामिल है। उनके नेता अरविंद सावंत 2 बार इस सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में उद्धव कांग्रेस को ये सीट नहीं देना चाह रही है। रणनीतिकारों का मानना है कि गठबंधन की वजह से मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी। तीसरी वजह यह है कि देवड़ा ने दोनों मीटिंग अटेंड नहीं की। पार्टी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क बैठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।